हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजन कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज की क्लास में हम एक डिफरेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे ज्वर में जो पंचकर्मा होता है, ज्वर में किस कंडीशन में हम वमन का प्रयोग करेंगे, ज्वर में विरेचन का प्रयोग किस कंडीशन में करेंगे, अनुवासन, निरु एंड शिरोविरेचन, ये पांच कर्मों का प्रयोग ज्वर में किस कंडीशन में किया जाता है। तो एग्जामियर जो होता है, आजकल जो क्वेश्चन का लेवल हो गया है वो कथनात्मक क्वेश्चन होता है और एक रीजनिंग क्वेश्चन होता है। ये दो क्वेश्चन किस टाइप से होता है थोड़ा सा पहले आपको मैं वो समझाना चाहूंगी। जैसे कथनात्मक क्वेश्चन की हम बात करें, कथनात्मक मीन्स कथन वाले जो क्वेश्चन है, और एक रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं जो एसेसर रीजनिंग क्वेश्चन बनता है वो क्या होता है। तो एग्जामिनर जो है आजकल रीजनिंग और कथनात्मक क्वेश्चन ज्यादा देता है एग्जाम में, है ना। तो जो कथनात्मक क्वेश्चन होता है उसमें आपको एक सेंटेंस दे दिया रहेगा और पूछेगा इस कंडीशन में कौन सा कर्म कराते हैं। जैसे जो हम ज्वर चिकित्सा पढ़ते हैं उसमें यही वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिए जाते हैं ना, कि ज्वर में वमन कर्म किस कंडीशन में कराओगे, कफ प्रधान है, दोष बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में आप कौन सा कर्म कराओगे, ये कथनात्मक होता है। जैसे कथन वन में दे देगा पूरा कंडीशन, दूसरा दे देगा इसमें वमन कराते हैं, विरेचन कराते हैं, या फिर सिंपल क्वेश्चन देके उसका आंसर पूछेगा मल्टीपल चॉइस में। दूसरा क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि स्नेह का प्रयोग हम स्थौल्य काश दोनों में करते हैं, कथन फर्स्ट हो गया। सेकेंड कथन आपको देगा क्योंकि जो स्थौल्य होता है उसके पेशेंट में जो स्नेह होता है सूक्ष्म स्रोतसों में जाके मार्ग अवरोध को हटा के उत्तरोत्तर धातु का पोषण करता है, और काश के पेशेंट में कैसे करता है, उत्तरोत्तर धातु की पुष्टि करता है, इस कारण से स्नेह स्थौल्य काश दोनों में उपयोगी है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया है। फिर आपको रीजनिंग देगा, कथन ए सही है दूसरा गलत है, या कथन ए कथन बी का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो ये होता है रीजनिंग क्वेश्चन। तो हमारी जो क्लासेस है उसमें आपको इसी रीजनिंग बेस पे पढ़ाया जाता है, जहां पर संभावित रीजनिंग क्वेश्चन होते, बाकी पूरा आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाता है। तो हमारी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं, हमारा ऐप पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम, जिसको आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप क्लासेस का डेमो कर सकते हैं। वहां पर रेगुलर सब्जेक्ट एंड संहिता की क्लासेस चलती रहती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपको मैंने समझा दिया है, तो आज हम कथनात्मक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना कि रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक मैं ज्वर से ही लूंगी, क्योंकि ज्वर का हमको पांच टॉपिक में कवर करना है। ठीक है ना, चलिए। वमन किस कंडीशन में कराया जाता है ज्वर में, तो एक कंडीशन है कि कफ प्रधान, ऐसा ज्वर वाला व्यक्ति जिसमें कफ की प्रधानता है। तो आप जानते हैं कफ की प्रधानता होती है तो हम वमन कराते हैं, पित्त की प्रधानता होती है तो विरेचन कराते हैं, वात की प्रधानता होती है तो वस्ती देते हैं, और स्नेह पान वगैरह भी कराते हैं, है ना। तो कफ की प्रधानता होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन बनता है। वमन के लिए कंडीशन क्या होगी, कफ की प्रधानता। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि दोष उत्क्लेशित अवस्था में हो। तीसरा कंडीशन क्या होगा कि दोष अमाशय में ही स्थित हो, क्योंकि पक्वाशय स्थित में हमको वस्ती देना पड़ता है, पित्ताशय में स्थित होने पर हमको विरेचन देना पड़ता है। तो वमन के लिए तीन कंडीशन आपको याद रखना है ज्वर में, कफ की प्रधानता हो, दोषों का उत्क्लेश हो, तीसरा इसमें दोष अमाशय में आश्रित होंगे, तो इस कंडीशन में हम ज्वर वाले पेशेंट को वमन कराते हैं। अभी सीसीआरएस का जो एग्जाम हुआ था 2020 में एग्जाम हुआ था, अभी तो नहीं, उसमें ये कंडीशनल तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, एक शिरोविरेचन से पूछा था, एक अनुवासन से पूछा था, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, है ना। पहला कंडीशन याद हो गया। दूसरा, अब आपने पढ़ा था, इसी चैप्टर में पढ़ोगे आगे जाके, कि ज्वर में तो वमन का निषेध होता है, स्पेशली कौन से ज्वर में, तरुण ज्वर में लिखा होगा, तरुण ज्वर में वमन का निषेध होता है। आप ज्वर में नौ कारकों का निषेध पढ़ते हैं, वहां पे ज्वर का निषेध मतलब वमन का निषेध भी बोला है। तो किस कंडीशन में वमन का निषेध होता है, अभी हम आगे जाके एक और टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं जस्ट इसके बाद। किंतु ज्वर भोजन करने के बाद तुरंत उत्पन्न हुआ है, या फिर साम है, या संतर्पण से उत्पन्न हुआ है, तो उसके तरुण ज्वर में ही वमन कराना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम वमन करा सकते हैं, बाकी किस तरुण ज्वर में वमन नहीं कराना है, तो नेक्स्ट श्लोक में लिखा है, अनुपस्थित दोषाणाम वमनम तरुणे ज्वरे।
तरुण ज्वर, ऐसा तरुण ज्वर जिसमें अभी दोषों का उत्क्लेश नहीं हुआ है, ओनली उसमें दोष अभी है, उत्क्लेशित अवस्था में नहीं है, तो ऐसे तरुण ज्वर में वमन नहीं कराना चाहिए। अगर ऐसे तरुण ज्वर में आपने वमन करा दिया तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? हृदय रोग, श्वास आना, मुंह आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो हमने वमन की कंडीशन देख लिए हैं। अगले पेज पर आ जाइए, श्लोक नंबर 138 पर आ जाइए। आज की क्लास में हम ओनली पंचकर्मा का डिस्कशन करने वाले है ना, श्लोक नंबर 168। नंबर का श्लोक है, इसमें बताया है संशोधन है ना, कहां पर हमको कराना चाहिए। चलिए तो 168 नंबर का श्लोक ज्वर में विरेचन की अवस्था देखते हैं। तो क्रिया भी प्रशमम ना याति तदा ज्वरा, इसको नहीं याद करना, बस यहां से याद करना है कि अक्षीण बल मांसाग्नि समेत विरेचनी। विरेचनी ये कैसा है? द्विवचन है, मतलब यहाँ पर विरेचनी से किसको लिया है? वमन और विरेचन से लिया हुआ। सिद्धि स्थान में आपने पढ़ा होगा, वहां पे आपने उभयम वा शरीर मल विरेचनात् विरेचन संज्ञा लभते, मतलब उभय मार्ग से दोषों को निकालना विरेचन कहलाता है। चाहे वमन हो उसको भी विरेचन बोला जाता है, चाहे विरेचन हो उसको भी विरेचन ही बोला जा रहा है, कुल मिला के दोषों को बाहर निकालना। तो यहाँ पर बोला है कुल मिला के, आप यहाँ पे संशोधन टर्म यूज कर सकते हो। वमन विरेचन किस कंडीशन में व्यक्ति को नहीं कराना चाहिए? अगर ऐसा व्यक्ति जिसको ज्वर है और वो व्यक्ति कैसा है, अक्षीण बल मांसाग्नि, उसका बल अगर क्षीण है, मांसाग्नि क्षीण है, मतलब कुल मिला के कमजोर व्यक्ति है, तो उसको समेत विरेचने विरेचन नहीं कराना है, अक्षीण वाले में विरेचन कराना है। दोनों चीजें समझ लिए? जिसका बल मांस क्षीण नहीं है उसको विरेचन कराना चाहिए, जिसका बल मांस क्षीण है उसमें कुछ और कराना है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो इन पूर्वोक्त चिकित्सा, यदि ज्वर शांत नहीं होता है तो रोगी का बल मांस अग्नि क्षीण नहीं है तो विरेचन कराएं। विरेचन का मीनिंग यहाँ पर लिया है बहुवचन, मतलब विरेचन और वमन दोनों से लिया गया है। अब मेरी बात को समझिए, आप जहां पर पंचकर्मा प्लान करते हैं तो आप ये देखते हैं ना कि व्यक्ति दुर्बल ना हो, तो दुर्बल ना हो तभी ये करा सकते हो। दुर्बल होगा तो जैसा विरेचन कर्म करता है ना, वैसे ही हम दूसरा कर्म यूज कर लेंगे। तो अक्षीण बल मांसाग्नि में विरेचन कराते हैं, और अगर इसका मांस अग्नि क्षीण हुआ है तो क्या कराओगे? तो आप निरुह दे दोगे। लिखा हुआ है अगले श्लोक में, ज्वरस्य क्षीणस्य ना हितं वमनं ना विरेचनं। ज्वर के द्वारा अगर व्यक्ति क्षीण हो चुका है तो उसमें वमन भी हितकारी नहीं है, ना ही विरेचन हितकारी है, क्योंकि अगर क्षीण बल मांसाग्नि नहीं है तो आप वमन विरेचन दे सकते हो। अगर व्यक्ति दुबला पतला है, अग्नि उसकी क्षीण हो गई है, तो वमन विरेचन नहीं कराओगे। इस कंडीशन में क्या कराओगे आप? निरुवस्थी के द्वारा मल का हरण करोगे, और इसमें क्या यूज करोगे? पैसा, दूध वगैरह की आपको शीर की वस्ती देना है मल को हरण करने के लिए। किस कंडीशन में देना है? ज्वर से व्यक्ति जब क्षीण हो जाता है तब। तीन कर्म समझ में आ गए हैं, एक हमने वमन पढ़ लिया है, दूसरा वमन विरेचन दोनों संशोधन के रूप में पढ़ा, तीसरा निरुह पढ़ा। अब तीसरा निरुह के बाद एक और कंडीशन आती है विरेचन की। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? वमन विरेचन दोनों कॉमनली पढ़ा था, अक्षीण बल मांसाग्नि में वमन विरेचन कराना है। अब ओनली विरेचन के कंडीशन पढ़ते हैं। जैसे हमने वमन की कंडीशन पढ़ा था कि कफ का उत्क्लेश हो, जो दोष है वो उत्क्लेश अवस्था में हो, तीसरा पढ़ा था कि दोष आमाशय में हो। अब विरेचन में क्या होगा कि पित्त की प्रधानता हो, कफ की प्रधानता में वमन कराते हैं, पित्त की प्रधानता में क्या कराओगे? विरेचन कराओगे। कफ पित्तम, पित्त की प्रधानता हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, कफ पित्त की प्रधानता हो। तीसरा, पित्ताशय गतम हरेत, और जो दोष हो पित्ताशय में हो, अमाशय में हो तो वमन कराओगे। पित्ताशय में है कौन सा? पित्त हो या कफ पित्त हो, लेकिन पित्ताशय में होगा तभी हमको संसन कराना है, मतलब विरेचन कराना चाहिए। तो यहां तक की कंडीशन संसन के लिए दे दी। अगली कंडीशन है जो निरुवस्थी के लिए, एक और श्लोक आ रहा है
कि तीनों दोष त्रीन मलान, मतलब तीनों प्रकार के दोष अगर पक्वाशय में स्थित हैं तो आपको वस्ती देना चाहिए। ये जो कंडीशनल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना हम, ये एक एग्जाम में लगातार तीन क्वेश्चन ज्वर चिकित्सा से ही कंडीशनल क्वेश्चन पूछे थे, कथनात्मक क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तीनों दोष पक्वाशय में होंगे तो निरुवस्ती दोगे, आमाशय में है तो वमन कराओगे स्पेशली कफ, पित्ताशय में है पित्त या पित्त कफ तो आपको क्या कराना था, श्रंसन कराना था, ठीक है। अक्षीण बल मांस है तो विरेचन करा सकते हो, मतलब वमन विरेचन करा सकते हो। अगर क्षीण बल मांस है तो निरुवस्ती देना है, ठीक है। अगला है अनुवासन, ये भी क्वेश्चन सीसीआरएस 2020 में आया था कि किस कंडीशन में अनुवासन वस्ती दोगे। अनुवासन में आप किसका प्रयोग करते हो, स्नेह का प्रयोग करते हो। स्नेह को पचाने के लिए हमारी अग्नि कैसी चाहिए, हमको बढ़ी हुई चाहिए, क्योंकि अगर हम स्नेह का प्रयोग कर रहे हैं अग्नि मान रहे हैं तो स्नेह को कौन पचाएगा, तो अग्नि को बचाने के लिए, सॉरी स्नेह को बचाने के लिए अग्नि दीप्त होना चाहिए। तो ज्वरे पुराणे, ऐसा ज्वर जो पुराण है, नव ज्वर में स्नेह का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नव ज्वर में आम अवस्था है, स्नेह का प्रयोग करोगे तो आम को और बढ़ेगा, तो पुराण ज्वर में करोगे पहला कंडीशन। दूसरा संशीर्ण कफ पित्ते, दूसरा कंडीशन वो बोला है कि जिसका कफ और पित्त शीण अवस्था में है, वायु बड़ा हो सकता है क्योंकि वायु में तो हम अनुवासन देते हैं, लेकिन कफ पित्त क्षीण अवस्था में है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन आता है ऐसा व्यक्ति जिसकी अग्नि कैसी है, दृढ़ है, बहुत दीप्त है, तो दीप्त में तो हम अनुवासन करा सकते हैं ना, मंद में नहीं कराएंगे। तो तीन कंडीशन कौन सी हो गई, पुराण ज्वर होना चाहिए, कफ पित्त कम होना चाहिए, अग्नि बढ़ा होना चाहिए, और स्पेशली रुक्षबद्ध पुरीषाय, इसका मीनिंग क्या हुआ, व्यक्ति में रुक्षता है, कॉन्स्टिपेशन है, आप जानते हैं कॉन्स्टिपेशन में वायु की प्रधानता होती, कुल मिला के वात बढ़ा होना चाहिए, तो रुक्षबद्ध पुरीषा, इसमें हमको ये चौथी कंडीशन हो गई, इसमें हमको अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आता है, ज्वर में नस्य कब देते हो, तो ऐसा ज्वर व्यक्ति, ऐसा ज्वर का व्यक्ति जिसके ऊर्ध्वचतुर्गत में प्रॉब्लम हो, तो यहां यहां क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो गौरवः, शिरसा शूले भारी होगा, सिर में शूल होगा, विबद्धे इंद्रियेषु, और इंद्रियों में विबद्धता, मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं प्रॉपर काम नहीं कर पा रही होंगी, क्योंकि हमारी जो सारी इंद्रियां हैं कहाँ पर है, कियंता शिरसि अध्याय चरक सूत्र 17 में आपने पढ़ा है कि सारी इंद्रियां जो है सिर में विराजमान होती है, तो अगर हम नस्य देंगे तो हमारी इंद्रियों को क्या मिलेगा, उत्तेजना मिलेगी, है ना। तो सिर वाली जो प्रॉब्लम है उसमें हमको, और स्पेशली जीर्ण ज्वर भी बोला है, इसमें हमको मूर्द विरेचन देना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि चरक जी ने ज्वर चिकित्सा में नस्य को क्या टर्म दिया है, तो मूर्द विरेचन टर्म दिया हुआ है। तो ये हमने पांच कथनात्मक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, जैसा मैंने आपको इस क्लास में पढ़ाया ऐसा ही हम अपनी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वहां पर पढ़ते हैं, पूरा कथनात्मक, जहां पर रीजनिंग क्वेश्चन होता है वो अलग होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है वो अलग होता है, तो इस तरीके से सब्जेक्ट एंड संहिता दोनों पढ़ा जाता है। आप डेमो ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी आपको क्लास ही ज्वाइन करना है ना, आप एक बार डेमो ले सकते हैं ताकि आपको बेटर चीजों की परख हो, है ना। और इसके अलावा हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज कंटिन्यू चली रही है, हमने बहुत सारे पेपर सॉल्व कर लिए हैं, गोविंद पारिक में जो हमने टारगेट रखा था 20,000 क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसमें हमने कम से कम आधे से ज्यादा कर लिया है, तो आप प्रीवियस ईयर को मैंने ऐसे ही समझा कर सॉल्व कराया हुआ है, और पारिक का 80 पेज कंपाइलेशन है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। थैंक यू।